चुनाव सर पर है और लोकसभा के चुनाव के पड़धम बजना शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि युवा वर्ग जो है वो चुनाव के बारे में अपनी राय रखता है और इनकी जो राय होती है वो बड़ी बेबाक होती है। ये किसी आइडियोलॉजी से आम तौर पर प्रभावित नहीं होते और ये वो स्विंग वोटर है जो मुद्दों को लेकर शायद अपना मतदान कर सकता है और इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां इस युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की, अपनी ओर लुभाने की कोशिश भी करती है। इनके लिए खास प्रयास भी किए जाते हैं और हाल ही में हमने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिएटर्स अवार्ड किए थे, एक फंक्शन किया था जिसके चलते कहीं ना कहीं युवा वर्ग पर प्रभाव डालने वाले उन कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की ये कोशिश भी हुई थी। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और इस वक्त हम हैं पुणे के रानडे इंस्टीट्यूट में, जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ का डिपार्टमेंट जो जर्नलिज्म का है उसका एक हिस्सा यहाँ पर होता है। और ये जो सारे मेरे साथ में खड़े हैं ये पत्रकारिता के वो छात्र है जो मुझसे आज हमारा ये चुनावी कार्यक्रम यंगिस्तान जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बात करने वाला है इस खास कार्यक्रम में। तो यंगिस्तान में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं चुनाव के बारे में। मुझे पता है कि आप लोग सारे उत्साहित हैं, पत्रकारिता के छात्र हैं और पत्रकारिता में अपना कुछ न कुछ करियर भी करना चाहते हैं। कई सारे ये लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पर अपना जो रिपोर्टिंग का अनुभव है वो भी लेना चाहते हैं। बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए क्योंकि चुनाव एक ऐसी बात होती है और खास तौर से भारत के चुनाव जो हमको बहुत सिखाती है एक पत्रकार के तौर पर। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है? पहले हाथ ऊपर करें। मतदाता सूची में है जो ये तीन जनों का नहीं है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी उम्र वो है कि उस उम्र में आप अपना वोट डाल सकते हो? है तो फिर आपने तुरंत जो पहली बात करनी चाहिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराइएगा, क्योंकि आप वो लोग हो जो भारत का भविष्य हो, जनतंत्र को जिंदा रखने वाले आप लोग हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव में अपना वोट डालना जरूरी है। अब आते हैं मुद्दों पर और अब आते हैं उन बातों पर जिसके आधार पर आप युवा वर्ग अपना मत डालते हो, वोट डालते हो। बताइए, आप जब मतदान केंद्र में जाते हो तो आपके जहन में क्या मुद्दे होते हैं और क्या विचार होते हैं और किस आधार पर आप अपना वोट डालने जाते हो? जब हम पहले मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए जाते हैं तो पहले विचार होता है कि जो चुनकर आने वाला है वो हमारे लिए क्या कर सकता है, और वो इलेक्शन के पहले जो वोट मांगने आता है तो उनने क्या बोला है, मैनिफेस्टो क्या रखा है, वो युवा वर्ग के लिए क्या कर रहा है, किसानों के लिए क्या कर रहा है, बेरोजगारों के लिए क्या कर रहा है, ये दिमाग में रखकर वोट करने जाते हैं। आप बताइए, आपने शायद कई बार इससे पहले मत अपना डाला होगा, सरकार आपकी चुनी होगी, आपके पसंद की या फिर आपके विरोध की जो भी है चुन के आई होगी, क्या आपके जहन में ख्याल होता है जब आप जाते हो वो और वो बैलेट पेपर के पास में या ईवीएम के पास में? अब 2019 तक तो ये बात थी कि एक आइडियोलॉजी के साथ हम मैं खुद मेरी खुद की बात बोलता तो वोट करता था, लेकिन अभी ये जो माहौल चल रहा है ये माहौल से कुछ एक नई इलेक्शन दिख रही है सामने, कि ऐसी इलेक्शन मैंने पहले कहीं नहीं दिखी है कि जो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने एक नया आयाम लाया है, एक तोड़फोड़ की जब ये सब अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो इस बार थोड़ा सा ये इलेक्शन अलग है और मैं भी थोड़ा सा अलग वोट करने वाला हूँ और मैं इंडिया आघाड़ी के साथ जाने वाला हूँ। देखिए, मैं किसी से ये नहीं पूछने वाली क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है, मैं उस पर अगर खुद से कोई बोलना चाहे बात अलग है। मैं किसी को ये नहीं पूछने वाली हूँ कि आप किसको वोट डालने वाले हो, आपका विचार क्या है ये मैं ज़रूर पूछूंगी। जो खुद से बोलना चाहता है वो बात अलग है क्योंकि ये जो जनतंत्र है इसमें हर किसी को अपनी बात खुल कर कहने का मौका भी है। आप बताइए कि क्या वो मुद्दे होते हैं, क्या वो आधार होता है जब आप अपनी सरकार चुनते हो,
क्या ऐसा होता है कि जब आप लोकसभा में शायद चुनाव कर रहे हो, लोकसभा के लिए कर रहे हो, अलग मुद्दों पर करें और सोचे कि कौन मेरा प्रधानमंत्री बनेगा, जब आप विधानसभा में कर रहे हो शायद अलग सोचे, और जब आप कॉरपोरेट बॉडीज में कर रहे हो तो शायद अलग सोचे, क्या होता है आपके जहन में? हमारे जहन में पहले ये बात होती है कि लोकसभा में अगर किसी को हम चुनाव मत डालना चाहते हैं या चुनाव में जीतना चाहते हैं तो हम पहले बात ये करते हैं कि हमारे स्टेट की जो समस्या है वो पहले छूटनी चाहिए। सबसे बड़ी आज तो देखा जाए तो 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, तब से हम वोट बीजेपी को कर रहे हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। मगर आगे आगे जो काम चल रहा है वो थोड़ा सा अलग चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि समस्या ये खड़ी है कि तरुण के लिए या युवा वर्गों के लिए समस्या बेरोजगारी की है, उसे रोजगार नहीं है, नौकरियां जो निकालती है या जो जॉब्स की कमियां है वो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है। राजनीति के तौर पर देखा जाए तो ना विचारधारा किसी के पास रही है ना कुछ, पक्ष अपनी पक्ष अपने सत्ता के लिए और अपनी सीट के लिए अपने अर्थकारण के लिए ये पक्ष बदल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बुरी बात है कि हम देखा जाए तो 2014 तक राजनीति में कोई तत्व था या प्रिंसिपल थे, आज तो प्रिंसिपल दिखाई नहीं दे रहे। कोई भी लोग आज इधर दिखता है तो कल उधर दिखता है, यानी किसी पार्टी पे भरोसा नहीं हमें, या कोई हो जो पहले ही थी और आज भी थी, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी है। आज देखा जाए सिटी में तो सबसे बड़ा पोल्यूशन का समस्या खड़ी है, ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, और जो अभी 2023 देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या दुष्काल की है, और अगर ग्रामीण भाग में देखा जाए रूरल एरिया में तो वो भी समस्या छूट नहीं रही है। उस पर बातें किए जाते हैं, बड़े बड़े पैकेज दिए जाते हैं, मगर मेरे ख्याल से जो इंस्ट्रक्शन किया या जो काम होने चाहिए वो हो नहीं पा रहे, तो हमें आशा है मगर आशा पूरी नहीं हो रही। ऐसे सबसे बड़े सब सवाल खड़े करते हैं, चुनाव में बातें करते हैं, मगर जो ग्राउंड में जो काम होना चाहिए वो होता नहीं है, ये सबसे बुरी बात है। इसीलिए हमें आज वोट डालना है किसी को तो सबसे बड़े समस्या खड़ी होती है किसे डाले, और नोटा चुनाव में नोटा दबाया तो भी नोटा से कुछ नहीं होता, ये सबसे सब यंगस्टर के सामने सबसे बड़ा कुछ सवाल। बिल्कुल कश्मकश है, हमने देखा युवा वर्ग के सामने कश्मकश है, क्योंकि एक तरह से विचारधारा की लड़ाई होती थी, कुछ पार्टी हो कुछ पक्ष हो तो उनकी एक विचारधारा होती थी। हमने देखा कि 2019 के बाद में खासतौर से महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हुई, कुछ पक्ष जो खुलकर अगर बात करें तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो अब है बची हुई, वो पहले हिंदुत्व की विचारधारा लेकर जनता के सामने गई और उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया। फिर उसके बाद में भाजपा ने जो अपने से विपरीत विचारधारा की राष्ट्रवादी कांग्रेस थी उनको साथ में लिया, यानी कहीं ना कहीं ये कश्मकश नजर आ रही है। और इसलिए ये युवा वर्ग क्या सोचता है ये बहुत अहम बात है, क्या है आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है कि राजनीति जो होनी चाहिए वो पार्टी की विचारधारा या राजकीय विचारधारा पर होनी चाहिए, पर जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो छोटी छोटे या लोकल पार्टियां हैं उन्हें उनकी विचारधारा को दबाया जा रहा है, कुछ बड़े पार्टियां सिर्फ उन्हें राजनीति के नाम पर तोड़कर अपना स्थान प्रस्थापित कर रही है। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो लोकल पार्टियां हैं जिन्हें यहाँ के लोकल प्रश्न या युवा के प्रश्न होते हैं, पर्यावरण के प्रश्न होते हैं, सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, ये जो समस्या है उनकी जानकारी होती है, तो ये स्थानिक पक्ष जो मिट रहे हैं उनके कारण ये नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। यानी देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी ये भी है कि किसे वोट करें। बेंगलोर की जो आज हालत है वो अगर हम देखें तो वहाँ पानी की किल्लत, जिस तरह का सूखा आज कर नजर आ रहा है वो शायद पहले कभी नहीं था। इनके जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन क्या है देश के सामने, कौन सी वो सरकार होगी जिस या कौन सी सरकार चुनी जाएगी जिसे युवा वर्ग चाहता है कि देश में वो राज करे। हम इनके मुद्दों की बात करते हैं, आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके जहन में कि देश के लिए क्या सोचना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सत्ता में बैठना चाहिए? मुझे लगता है जब हम देश की बात करते हैं तो आज का जो माहौल है उसमें जो प्यार अमन की बात कर रहा है, जो संविधान की बात कर रहे हैं,
उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी निकलेगा, हमारे सिविल राइट्स निकलेंगे, हमारे युवाओं के रोज़गार निकलेंगे, न्याय की बात होगी, समता की बात होगी, जो मूल्यों की बात होगी, वो संविधान से निकलेगी। और संविधान को तोड़ मरोड़ने की जो बात करेंगे, उनके साथ शायद खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। देश के सामने आज बड़ा सवाल मेरे जहन में, मेरे विचार में ये है कि संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, गणतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हम इस पूरे इलेक्ट्रल सिस्टम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और जो इंश्योर कर पाएंगे कि ये इलेक्शन सिस्टम रहेगा, गणतंत्र रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी। मुझे लगता है कि इस आधार पर ही ये इलेक्शन में मैं तो वोट करूंगा, इस आधार पर। यानी आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव लग रहा है युवा वर्ग को कि संविधान खतरे में है। क्या सचमुच खतरे में है? क्या इससे पहले ऐसी बातें नहीं हुई? क्या इससे पहले सचमुच हम उस जनतंत्र में थे? इसका भी विचार बहुत जरूरी है। और यही सवाल लेकर मैं जा रही हूँ, क्या आपको लगता है कि जनतंत्र बहुत हमारे देश में बहुत मजबूत था, और या पहले कभी इस तरह के प्रयास नहीं हुए? घटना की तोड़ मरोड़, क्या हमारा संविधान इतना कमजोर है कि इसे कोई तोड़ सकता है? ये सारी बातें जो है, इस पर विचार, और राष्ट्र के सामने कौन से मुद्दे हैं, देश के सामने कौन से मुद्दे हैं, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में हम पर्सनालिटी को देख के वोट होता है, लेकिन अगर हम राज्यसभा या फिर लोकल अगर इलेक्शन देखें, तो वहाँ पे हम मुद्दों की बात कर सकते हैं। लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, अगर वो आया तो मुझे लगता है कि एक जब जैसे मोदी वेव हम कहते थे, या फिर एक ही जो बड़ी पार्टी होगी उसकी तरफ सारे वोट्स चले जाएंगे और मुद्दे कहीं पे पीछे रह जाएंगे। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो पहला वोट था वो नोटा को था। तो मुझे जब नोटा के बारे में मैंने सुना था, तब मैंने बहुत पढ़ा उसके बारे में कि क्या हो सकता है, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि नोटा अगर सारे वोट्स अगर मिला ले हम, अगर नोटा 25% के भी आगे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो जनसामान्य लोग हैं उनकी उनका डायरेक्शन किस तरफ है, लेकिन उस पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो नोटा ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो भी मत है लोगों का किसी एक पार्टी को नहीं है, या फिर किसी एक पार्टी को है। हम ये भी नहीं कह पा रहे हैं अभी कि अगर एक पार्टी को वोट भी दे दिया तो वो कल तक या फिर आफ्टर चुनाव के बाद वो उसी पार्टी में रहेंगे या नहीं, वो भी पता नहीं है। तो कार्यकर्ताओं के बीच उसी पार्टी के, और अगर जब फूट पड़ती है एक पक्ष में, तो वो कार्यकर्ता किस पक्ष का है, उन खुद कार्यकर्ताओं के मन में भी एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि हम किस पार्टी से हैं। एट द सेम टाइम लोगों के बीच में भी यही सवाल है। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुद्दों की बात तो हो ही नहीं रही है, तत्वों की बात, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि तत्वों की बात तो हो नहीं रही, तत्वों की राजनीति चाहिए हमें, मुद्दों की राजनीति चाहिए हमें, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। एक बात जरूर है कि जब हम लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कौन वो होगा जो हमारा कर्ता धर्ता होगा, कौन वो होगा जो मेरा प्रधानमंत्री होगा, कौन होगा जो देश को दिशा देने वाला है, कौन होंगे वो मंत्री, और ये सब बात जो होती है, तब हमें क्या लगता है कि कौन हो सकता है हमारा अगला नेता? जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां है, देश के अंदर की चुनौतियां है, और कुल मिलाकर सारी चुनौतियां है, उसमें दो आघाड़ी या दो गुट, जो राजनीतिक दल, इनका आमने सामने टकराव है। इंडिया आघाड़ी की अगर हम बात करते हैं और एनडीए की बात करते हैं, तो इंडिया आघाड़ी में पश्चिम बंगाल में एक स्थिति है, दूसरी जगह पर एक स्थिति है, तीसरी जगह पर एक अलग स्थिति है। जिस तरह से अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो हर राज्य में एक जो प्रमुख पक्ष इंडिया आघाड़ी का घटक पक्ष है, कांग्रेस, उस वो जिसके साथ में जाना चाह रही है आइडियोलॉजी के तौर पर, अपनी विचारधारा से विपरीत विचारधारा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसके चलते अगर आप देखें तो वहाँ पे उन्हीं के नेता उसको मना कर रहे हैं। इंडिया आघाड़ी नाम की कोई बात अभी है क्या? उसमें कितनी पार्टियाँ हैं और उनकी कलेक्टिव एकत्रित आइडियोलॉजी कौन होगी, प्रधानमंत्री कौन होगा, और वो क्या हमारे देश की अभी की चुनौतियाँ या विश्व में जो हमारे सामने
ग्लोबल इसमें जो चुनौतियां है उसका सामना कर पाएगा, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो नेता हो या जो पक्ष हो जो आए अभी, उसको हमारी समस्याओं की जान हो और जो पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, उनकी समस्या को पहले रखना चाहिए। बाद में सब चीज़ें आती है, उनका मेन एम यही होना चाहिए और ऐसी विचारधारा रखने वाला पक्ष ही हमारा नेता होना चाहिए। मैं कुछ अलग उसमें कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चुनना ये मेरा काम ही नहीं है, प्रधानमंत्री चुनना मेरे उस रिप्रेजेंटेटिव का काम है जो संसद में जाके बैठेगा। तो मैं प्रधानमंत्री को देख के कोई, ये मेरे देश के एक नेता को देख के मैं कोई मेरा वोट नहीं डालूंगा। मैं उस आइडियोलॉजी का देखूंगा, उस पक्ष को देखूंगा, उस मैं एक एक व्यक्ति को देख के कभी शायद मुझे लगता है कि यही गणतंत्र का लोक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खून हो जाएगा जब हम किसी एक इंसान को देख के वोट कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनना मेरा काम नहीं है। बिल्कुल वाजिब बात कही यहाँ पर कि प्रधानमंत्री देखकर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये अपना अपने जो चुनाव क्षेत्र है वहां पर जो व्यक्ति होगा जो शायद सांसद बन सकता है उसको देखकर ये अपना मतदान वो लोग चुनेंगे प्रधानमंत्री। हम बताइए कि जब हम किसी भी इसमें मतदान करते हैं तो हम जिस तरह से हमारी पहले से बात हो रही थी कि कोई एक विचार लेकर जाते हैं, क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कौन से वो मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं महत्वपूर्ण है जिनके लिए मतदान होना जरूरी है? मतदान के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बेरोजगारी होना चाहिए, जो लोकल लेवल के क्वेश्चन है उन्हें उठाना चाहिए। मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि राजकारण पूरा व्यक्ति केंद्रित राजकारण हो चुका है। भारत हमारे लोकशाही में इससे पहले इतना व्यक्ति केंद्रित राजकारण कभी भी नहीं हुआ था, मगर अब जो लोकल क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से डावल के जो नेशनल लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि जो क्वेश्चन है ही नहीं वो लोगों को थपे जा रहे हैं, धर्म का एजेंडा हो, अगर हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, ऐसे क्वेश्चन जो कि रियल में वास्तव नहीं करते उन्हें डाला जा रहा है। तो बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, गोर गरीब का कल्याण हो, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं युवा वर्ग को ये लगता है कि जिस तरह की राजनीति ना की जाए जो मुद्दों से भटक जाए, इनके जो असल में मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर राजनेताओं ने काम करना चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि चुनाव घोषणा पत्र जो होते हैं उन चुनाव के घोषणा पत्रों पर कितना विश्वास इन लोगों का है, आप बताइए। मुझे तो अभी बिल्कुल ऐसे नहीं लगता है कि कोई भी जो भी घोषणा पत्र है अभी उसमें सर्वसामान्य जो लोग हैं उनके कुछ मुद्दे लिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था कि वो लोग कुछ आश्वासन देते थे कि भाई अगर मुझे जिताना है तो मैं क्या क्या करूँगा, तो अभी ऐसे कुछ दिखाई देता ही नहीं है कि हमारे जो बेसिक सवाल है, हमारी जो नीड है, हमारी जो ज़रूरत है उस पर तो कोई हमसे बात भी नहीं करता है, खाली आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। तो अभी हम युवाओं को ये नहीं चाहिए कि भाई अभी तुम आश्वासन दे रहे हो, अपनी सरकार बना रहे हो और यहाँ से चले जा रहे हो, हमें ये नहीं चाहिए। अभी तुम कुछ काम करके दिखाओ, हमें विकास वगैरह ये चीज़ें हमें चाहिए नहीं है। हमें क्या चाहिए तो हमें बेसिक है कि हमें हमारा जॉब चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए ताकि उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा ना करना पड़े, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमारे जो नीड्स हेल्थ है हमारी वो अच्छी रहनी चाहिए, हमें बहुत सारे तकलीफों का जो सामना करना पड़ता है अभी तो वो नहीं चाहिए। तो इस मुद्दों पे अगर कोई काम करता है तो फिर भाई हम उसके लिए वोट देने का विचार करेंगे, ऐसा होता ही नहीं है। तो हमें बहुत बड़े बड़े एकदम हम इस दुनिया के है ही नहीं और अलग दुनिया की ख्वाब दिखाए जाते हैं कि भाई इस धरती पे अभी ये आएगा, मेट्रो आएगा, ये आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी कि हम इंटरनेशनल लेवल पे देश के हित संबंध बनाना चाहते हैं, धार्मिक मुद्दों को लेके कुछ अलग ही करना चाहते, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ना हमें जाति की ज़रूरत है, ना हमें धर्म की ज़रूरत है, हम सब लोग एक हैं और हम एक रह के ही यहाँ पे जीते हैं। तो हमें ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हमें चाहिए अस्पताल, हमें चाहिए अच्छे स्कूल, हमें चाहिए रास्ते, हमें चाहिए फार्मर्स शेतकरी लोगों के जो भी धान आता है तो उसको अच्छी फसल के लिए अच्छी कीमत देनी, इतना ही चाहिए। हमें ये लगता है कि हम इस देश को जो चलाता है तो ये मुद्दे लेके जो चलाता है तो वो हमारा देश का नेता होना चाहिए। अभी ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई लेके चलता है। यानी आप देख रहे हो कि युवा वर्ग के लिए वो मुद्दे अहम हो जाते हैं जो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी से मायने रखते हो, रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखते हो। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं? पहले तो एक पहली बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाई आपने बताया पूछा
कि जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा करते हैं और डिलीवरी क्या करते हैं, तो 10 साल का ऐसा है तजुर्बा है हमारा कि मैनिफेस्टो तो बात अलग की है, प्रधानमंत्री खुलेआम जो लोगों को घोषणा देते हैं उसकी कोई भी डिलीवरी आज तक नहीं, ना 15 लाख की हुई है, ना 2 करोड़ साल के बेरोजगारी की हुई है। और ऐसा माहौल ऐसा बना है कि जुमले का अभी नया नाम गारंटी दिया गया है, तो मोदी जी अब गारंटी बांट रहे सकते हैं। जो अभी जो देखेंगे तो जो लोगों की समस्या है, जो जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे लोगों को मत या वोट मांगने चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करते। हमारी समस्या है बेरोजगारी, हमारी समस्या है किसानों की, हमारी समस्या है शिक्षण की, उस पर कोई बात नहीं। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, तो कई समुद्र में जाके, द्वारका में जाके नीचे बैठ के द्वारका का दर्शन कर रहे, तो कैसी कैसी माला पहन के काशी में बैठ रहे, कई जाके साउथ में मंदिर टेम्पल रन कर रहे। किसी भी बात पे जो हमारे असल के मुद्दे उस पर बात ही नहीं करे, और क्या कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कुछ अलग ही माहौल में जी रहे। अभी देखिए हमारे किसान पिछले साल तो बैठे थे दिल्ली में, अभी वापस गए हैं, तो उन्होंने उनसे सीधा डायलॉग करने के तैयार नहीं है। वो हमारे भाई है, किसान भाई है, तुम उनके रास्ते में केले बैठा रहे। हम लोग आज तक इसी तरीके से किसी आंदोलनकर्ता से इस तरह का व्यवहार करते हुए कभी नहीं देखा, और उनको वापस तुम खालिस्तानी दिखा रहे हो, दहशतवादी दिखा रहे हो। अगर शहर में कोई तुम्हारे साथ बात कर रहा है तो उसको तुम अर्बन नक्सलाइट बोल रहे, गांव में कोई बोल रहा है तो उसको दहशतवादी बोल रहे, तो तुमसे बात ही नहीं करने की, तुम्हारे खिलाफ कोई बात ही नहीं करने, बस तुम्हारी बात सुनो, मन की बात सुनते जाओ, जन की बात मत करो। अगर ऐसी तरीके से रहेगी तो कैसा चलेगा। और अभी अभी आपने बताया कि संविधान बदलने की बात हो रही है, क्या पिछले साल कभी यहाँ के पीछे कभी ऐसी बात हुई कि नहीं। मैं इसमें एक ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ, पंडित नेहरू के टाइम में क्या हुआ, इस पर हमको कोई लेना देना, हम थे नहीं, लेकिन हमने देखा है मनमोहन सिंह का टाइम देखा है और आज तक देखा है, और खुलसरेआम बीजेपी के एमपी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और उस पर हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोलते, उनको रोकने की बात नहीं करते, और ना ही ऐसे हम संविधान नहीं बदलेंगे ऐसे भी नहीं बोलते। आपकी क्या राय है? बेसिकली प्राइमरी हमारे हिंदुस्तान में अभी एजुकेशनल क्राइसिस हुआ है ऑल ओवर, केजी टू पीजी का हमारे को एजुकेशन लेना हो तो उसकी कॉस्ट इतनी हाई हो गई है कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी तनख्वा 20-30 हज़ार है, उनके बच्चों को 50-50 हज़ार देकर वो स्कूल में नहीं ले जा सकते। इधर के मेजरली लोग जिला परिषद के स्कूल में पढ़े हुए हैं, जो 90s के जो बच्चे थे वही के पीजी तक उन्होंने एजुकेशन कौन से विश्वविद्यालय में लिया है, वो सब प्राइवेट हो जाने के बाद बेसिकली उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, अपने अपने स्किल सेट पे वो रोजगार मिला सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि एनवायरमेंटल लॉस, जो ये सिर्फ हमने ये इतने पौधे लगाए, इतने ये लगाए, पर उस अगले साल में उसके बारे में क्या क्या हुआ, वो उसके बारे में वो थोड़ी भी बात नहीं कर रहे। तीसरी बात है कि रिलीजन का, मैं पर्सनली हिंदू हूँ, मैं मेरे घर में 5-10 मिनट एक घंटा मैं मेरे भगवान राम श्री रामचंद्र का, कृष्ण का मैं पूजा पाठ करूँगा, पर मुझे सोसाइटी में दिखाने की ज़रूरत नहीं ना कि मैं भगवान को मानता हूँ। तो ये पॉलिटिकल सब लोग क्या करें, हम हिंदू के और हमारे को इनडायरेक्टली हमारे लोग दड़पा रहे हैं। ये 3-4 मुद्दे हो गए, और चौथा मुद्दा है सबसे कि जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लेडीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हम अभी पुणे में भी आप घूमो, लेडीज़ टॉयलेट है वो भी बहुत कम है। बेसिकली ये छोटे छोटे चीज़ है, बहुत कम है। जब जेंट्स कहाँ भी रुक सकते, हम ट्रैवल को जाते लेडीज़ के लिए कोई वॉशरूम्स नहीं है, हम पर्यटन के जाते, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये जो समस्या है जिस पर बार बार ये कहा जा रहा है कि एक तरह से शौचालय बनाना सार्वजनिक तौर पर ज़्यादातर, ये एजेंडा लिया सरकार ने, ये जो समस्या है इसको कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे हैं,
बाकी जो आपके रोजगारी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, वो स्वच्छ भारत के बाद में अगर आप अभी पर्यटन स्थलों में भी जाओ तो ज्यादातर टॉयलेट पहले की तुलना में काफी दिखते हैं, ये घर घर टॉयलेट्स पहुंचाने की बात। मुद्दों के आधार पर अगर हम बात करें तो बाकी सब मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं मैं आपके पास में आना चाहूंगी, आप बताइए क्या कहना चाहते हो। नहीं तो मैडम, राजकारण में इतना जानता नहीं हूँ जी, लेकिन अभी जो राजकारण चल रहा है वो सब लोग मेरे ख्याल से चोर है, और जो है चल रहा है कौन सा भी पार्टी ले लिया कीजिए खुर्ची के लिए उसका ये चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और ये हमें तो बिल्कुल ये नहीं लगता कि कौन जनता है, लोग है, इसका किसी को लेन देन नहीं है, वो खाली यानी एक यहाँ से जो उभर के बात आ रही है ये दो तीन चीजें सामने आ रही है। एक कि जो चुनाव के घोषणा पत्र होते हैं उसको कोई ठीक से मानता नहीं है, जो युवाओं के मुद्दे हैं वो रोजगार, पर्यावरण, पानी, शिक्षा, आरोग्य की सुविधाएं ये है, तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर ये विचार कर रहे हैं। आप फिर से कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, देन एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है, देन सोशल जो हेल्थ की बारे जो पॉलिसी है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, और जो लोग कर रहे उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। अभी दिल्ली में एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बता के उनको वो अलग किया जाता है, और उनको वो जो काम है किया जाता है। अभी एक बात बताइए, राइट टू एजुकेशन RTE जो है उसको स्क्रैप किया जा रहा है, उसको स्क्रैप किया जाए तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और ये कब हुआ राज, RTE को कब स्क्रैप किया जा रहा है? RTE के जो जितने भी एजुकेशन जो जिस स्कूल में RTE के थ्रू एजुकेशन मिलता है, जिन स्टूडेंट को एजुकेशन एडमिशन मिला हुआ है उनको गवर्नमेंट की तरफ से एड दिया जाता है, तो एड देना बंद हो गया है 6 साल से, उसको बंद कर दिया। अभी पुणे में बहुत से स्कूलों ने RTE से एडमिशन देना बंद कर दिया है, और दूसरी तरफ तुम सरकारी जो स्कूल है उसको स्टूडेंट नहीं है करके उसको बंद किया जाता है, तो गरीबों के स्टूडेंट ने पढ़ना ही नहीं है। और जो बड़े स्कूल है उनको वहाँ पे RTE के तहत में 25% का जो कोटा है उसको बंद किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको एडिंग नहीं दिया, उसको फंडिंग बंद किया जा रहा है, तो इनकी भी मजबूरी ऐसी है कि गवर्नमेंट अगर उनको वो बच्चों का फंडिंग नहीं देगा तो उनको RTE से एडमिशन देना बंद करना पड़ेगा, तो इस तरीके से चल रहा है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर कि अगर बुनियादी तौर पर जनता के जो मुद्दे हैं उसको अगर एड्रेस नहीं किया जाता है, उसके तरफ अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो सरकार चाहे कोई भी हो या पार्टी चाहे कोई भी हो, सबके सामने अगर कुछ मुद्दा है क्राइसिस, मुझे ये युवा वर्ग के साथ बात करने के बाद में लग रहा है, तो क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता, आप बताइए क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि सिर्फ लाइक निवडणूक में आश्वासन देने के बदले डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए और उस पे ग्रास रूट पे जाके काम किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एक तो पोलराइजेशन हो रहा है, फिर डाइवर्शन हो रहा है, इसके वजह से यह हो रहा है कि देश के लाइक यूथ के जो दिमाग है वो सब अपोजिट साइड पे काम पे लगा रहे हैं वो, और जो मेन पॉइंट्स है लाइक डेवलपमेंट के पॉइंट्स हो गए या ग्रास रूट पे जो काम चल रहा है उसके पॉइंट हो गए, उस पर हम कोई ध्यान नहीं दे रहा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आश्वासन में ये पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ CAA और NRC। आप बताइए। मैं इस बारे में एक शेयर बोलना चाहता हूँ। बोलिए। मैं था अपने खेत में, तुझको भी था काम, तेरे मेरे गलती का राजा पड़ गया नाम। जो आज के यूथ वोटिंग नहीं करते उसमें ये शेर जरूर बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल, इन्होंने तो शेर सुना दिया है, आज की परिस्थिति पर क्या कहेंगे? हमारा देश आज सरकार की ओर से नारा दिया जा रहा है कि जल्दी हम विश्व गुरु बनेंगे, सुपर पावर बनेंगे, लेकिन अगर हम इतिहास में जाकर देखेंगे तो हमारे देश की जो नींव है वो खेती और गाँव से जुड़ी हुई है, तो इस सरकार का इन दोनों चीज़ों पर ध्यान नहीं है, तो मुझे लगता है कि गाँव की ओर फोकस किया जाना चाहिए, और गांव में जो महिला चुन के आती है चाहे वो पंचायत हो या फिर उसके ऊपर की कोई सिस्टम, तो वो महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा, उनके हस्बैंड ही पूरा वो देखते हैं, तो उस पर सब कानून की जरूरत, क्योंकि ये एक शुरू हुआ था, मैं इन्होंने जो बात छेड़ी बड़ी लंबी जाएगी, और ये कि महिलाओं को जब आरक्षण स्थानिक इसमें, और इस बार तो सरकार ने जब संसद की पहली बिल्डिंग बनी तो महिला आरक्षण बिल पारित भी किया है, महिला आरक्षण बिल अभी आया है,
और दोनों सदनों में वो पारित हो चुका है, जिसकी बात लगभग 75 साल से हो रही थी, वो बात है। तो प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिल सकता है, लेकिन जो मुद्दा आप कह रहे हो इसमें परिस्थिति में बदलाव आएगा। विल दे रोल चपातीज, इस तरह के एडिटोरियल्स हम सभी लोगों ने पढ़े होंगे, और तब, लेकिन आपकी महिलाएं, क्या आपको लगता है महिलाएं इतनी ये है कि अपने पति के रिमोट कंट्रोल पर चलेगी? नहीं, अभी तो जो महिलाएं वो इतनी प्रगल्भ हो गई कि खुद की प्रगति कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर यानी आपको सिर्फ पति को बताना पड़ेगा कि बस इंटरफेयर मत कर। राइट? अभी तो ऐसा ही दिख रहा है कि सिर्फ हमें फ्रीडम दीजिए ताकि हम भी कुछ कर सके। आरक्षण तो है, फ्रीडम देने की बात है, लेने की बात है, लेने की और देने की भी। अगर आप देंगे तो हम खुद भी ले सकते हैं, या फिर हम खुद लेंगे तो आपको भी देना पड़ेगा, ऐसा आप बताइए। मैम, वैसे देखा जाए तो हम देख ही रहे कि महिलाएं बहुत आगे जा रही है, लेकिन बहुत से मामले हैं या फिर बहुत सी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ अभी भी सिर्फ घर पे रोटियां पकाती है या फिर अपने बच्चों को संभालती है। सो इस परिस्थिति में बदलाव आना जरूरी है, ध्यान देना चाहिए इस पर। आ रही हूँ मैं आपकी तरफ, बोलिए। मेरे को पॉलिटिकल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर अभी का राजकारण जो है वो बहुत घटिया चल रहा है। अभी देखो डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस करना है। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि बात मुद्दों की जब आती है तो इनके लिए वो स्थानीय मुद्दे या इनकी रोजमर्रा की जिंदगी ठीक हो, ये मुद्दे अहम हो जाते हैं, ना कि ऐसे मुद्दे जो इनको लगता है कि इनको भटकाया जा रहा है इन पर। इनके लिए मतलब युवा वर्ग की जो राय है वो ऐसी है कि इनके बुनियादी मुद्दे जिसमें शिक्षा हो, आरोग्य हो, या इनकी रोजमर्रा की जिंदगी ठीक हो। किसी ने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए, देहातों पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं का मुद्दा उठा, और आपकी तरफ मैं एक बार आना चाहूंगी, आप हाथ ऊपर कर रहे थे जी, बताइए। मैं मेरे वोटिंग का और एक इस साल ये रहेगा कि ऐसी सरकार लाना चाहूंगा जिससे सवाल करने में मुझे डर ना लगे। आज मुझे डर लगता है, मैं अगर सोशल मीडिया पे कुछ लिख दूं तो मुझे डर लगता है कि कितनी सरकार का मेरा फंडिंग बंद कर दे कि मुझे उठा ना ले। सरकार तो सीधे नहीं उठाएंगे, लेकिन सरकार को मानने वाले कहीं आके मुझे मार न दे। तो मैं कुछ ऐसी ऐसा जमाना देश चाहूंगा जहाँ पे ना सरकार के को सवाल करने के लिए, बात तो छोड़िए, सवाल करने के लिए डर ना लगे भाई। बिल्कुल, बेखौफ होकर जीना चाहता है युवा वर्ग, बेखौफ होकर अपनी राय रखना चाहता है। ना ये हो कि इन्होंने जब कुछ मुद्दा उठाया तो इनके ऊपर किस तरह के आरोप हो। यानी आप देख रहे हो कि सभी आज की इस यंगिस्तान के साथ में बात करने के बाद में जो निचोड़ सामने आता है वो ये है कि सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को खुद के गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। उनको ये सोचने की जरूरत है कि जो वो चुनावी जुमलेबाजी करते हैं और अगर उसको धरातल पर लाने की कोशिश नहीं होती तो युवा वर्ग को शायद नहीं लुभा पाएंगे। और ये सारे मुद्दों को लेकर जनतंत्र अच्छा हो, अच्छा रहे, सशक्त हो, ये जो कंसर्न है ये दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर थे रानड़े इंस्टीट्यूट में, जो पत्रकार होने वाले हैं, जो पत्रकार होने की इच्छा रखते हैं, उन छात्रों से बात कर रहे थे, उस युवा वर्ग से बात कर रहे थे, और इन्होंने जो कहा ये आपने सुना है। इस तरह का जो वार्तालाप है, इस तरह की जो चर्चा है, वो हम कई कैंपसेस में जाकर युवा वर्ग से करते रहेंगे। आप हमारा नवभारत का यंगिस्तान ये कार्यक्रम जरूर देखते रहिएगा। आपके जो सुझाव या कमेंट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। नवभारत के लिए कैमरामैन विनोद इंगोले के साथ प्रतिभा चंद्रन।